वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल रोबस बाजार। आज हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न सीरीज़ का सेकंड एपिसोड। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार हमने एपिसोड वन चालू किया था हायर हाइज लोअर लोज के ऊपर। चार्ट पैटर्न सीरीज़ चालू करी है मैंने, तो इसमें मैंने ये वीडियोस अपलोड करी हैं चार दिन पहले, तो इस वीडियो को जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको ऊपर ही ये वीडियो दिखाई दे जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लैग पैटर्न। तो फ्लैग पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं, पहला होता है बुल फ्लैग पैटर्न, दूसरा होता है बियर फ्लैग पैटर्न। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि बुल फ्लैग पैटर्न होता क्या है। जब तक हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है तब हमारा एक बुल फ्लैग पैटर्न बनेगा, और जब मार्केट सडन गिरने लग जाता है तब एक बियर फ्लैग पैटर्न बनेगा। अब यहाँ पे आप फ्लैग पैटर्न का नाम देख के ही समझ गए होंगे कि फ्लैग पैटर्न होता क्या होगा। तो फ्लैग पैटर्न एक्चुअल में, जब फ्लैग, आपको जैसे कि पता है कि फ्लैग कैसा होता है, फ्लैग इस प्रकार से होता है, एक लंबी डंडी होती है, फिर उसके बाद ऐसा हमारा देश का फ्लैग होता है। तो इसी प्रकार से एक फ्लैग पैटर्न बनता है। फ्लैग पैटर्न में कई सारे पैटर्न बनते हैं, जैसे कि कुछ फ्लैग पैटर्न ऐसे बनते हैं और कुछ फ्लैग पैटर्न ऐसे बनते हैं। तो ये एक तरीके का अलग अलग प्रकार के फ्लैग पैटर्न होते हैं जिसको आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीधे हम चलते हैं बुल फ्लैग पैटर्न में। अब बुल फ्लैग पैटर्न में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि एक सडन अपसाइड मूवमेंट दिखाई किसी स्टॉक ने, और उसके बाद फिर गिरा चढ़ा गिरा चढ़ा, और फिर उसके बाद स्टॉक एक रेंज बाउंड में फंस जाता है। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक लंबी डंडी और उसके बाद एक फ्लैग जैसा पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्रेड एंट्री पॉइंट। जैसे ही यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, हमारी एंट्री यहाँ कहीं होनी चाहिए। जैसे ही यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, हमने तुरंत स्टॉप लॉस भी लगा लिया बिल्कुल इन्हीं स्तरों के नीचे, और ये स्टॉक जब तक चढ़ता जा रहा है आपको प्रॉफिट के लिए बने रहना है। ऐसी एक्सपेक्टेशन मानी जाती है कि बुल फ्लैग में जब तक आपका प्रॉफिट चल रहा है चलने दे इसको, और अगर स्टॉक नीचे गिरने लगता है सडन तो यहाँ पे कहीं आप एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा रुकना है, देखना है कि शायद से एक फ्लैग पैटर्न और क्रिएट हो रहा है कि नहीं यहाँ पे। अगर एक फ्लैग पैटर्न और क्रिएट हो रहा है, इट मीन्स स्टॉक या तो यहाँ से ब्रेकआउट देगा डाउन साइड या तो एक अपसाइड। तो अगर अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो हमारा स्टॉप लॉस आप यहाँ से बढ़ा के यहाँ पर रख सकते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। मतलब इट मीन्स आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, अब आपने आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया, मतलब आपके प्रॉफिट जो है आपका और जो आपका स्टॉप लॉस है उसके बीच में हो गया डिफरेंस। इट मीन्स यहाँ पे आपका एंट्री है और यहाँ पे आपकी एग्जिट है, तो मतलब आप गिरी से गिरी हालत में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लेके निकलेंगे। तो ये था बुल फ्लैग पैटर्न। अब हम चलते हैं बियर फ्लैग पैटर्न के ऊपर। बियर फ्लैग पैटर्न बुल फ्लैग पैटर्न का जस्ट अपोजिट है। जब मार्केट सडन गिरता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब मार्केट सडन गिरने लगता है तो इसमें भी एक लंबी डंडी बनती है नीचे डाउनसाइड के बाद, उसके बाद स्टॉक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ही करता रहता है। और यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक तरीके का उल्टा फ्लैग है ये। और यहाँ से हमें डाउनसाइड के लिए एंट्री कैसे मिलेगी, जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ पे एक एंट्री लेंगे इंट्राडे ट्रेड के लिए, और हमारा स्टॉप लॉस ये यहाँ पे कहीं होना चाहिए। और जैसे ही हम, जितना प्रॉफिट हमारा नीचे जाता जाएगा हमें रुके रहना है, जब तक कोई हमें सही इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि मार्केट पुल बैक कर रहा है कि नहीं कर रहा, तब तक आपको उसमें रुके रहना है और आपका स्टॉप लॉस आपने लगा के यहाँ पर छोड़ देना है। और जैसे ही मार्केट नीचे आता है आपको रुके रहना है, इस पूरे मोमेंटम का आपको फ़ायदा लेना है। बुलिश फ्लैग पैटर्न का हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक दिखाई दे रहा होगा पोल, ये लिखा हुआ है पोल। मतलब ये जो जब एक मोमेंटम बनता है किसी स्टॉक में तो एक पोल जैसा बनता है, एक डंडे जैसा बनता है, फिर उसके बाद स्टॉक यहाँ पर रेंज बाउंड में थम जाता है और एक पैटर्न में फंस जाता है। तो यहाँ पे एक पोल बना और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस और एक फ्लैग जैसा बन गया। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है, और स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, और यहाँ से जब तक मोमेंटम जारी रहता है हमें इसमें रुकना है। अब बात करेंगे बियरिश फ्लैग पैटर्न की। तो यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा है, बुल
फ्लैग पैटर्न का जस्ट अपोजिट है। यहाँ से स्टॉक गिर रहा है, लगातार एक पोल जैसा गिर रहा है, लगातार रेड कैंडल बन रही है, उसके बाद स्टॉक रेंज बाउंड में आया, यहाँ पे एक सपोर्ट बना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, बिल्कुल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जैसा फ्लैग होता है बिल्कुल वैसे ही बना, और उसके बाद हमने इसको ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे जैसे ही हमें ब्रेकआउट डाउन साइड का मिला, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है और यहाँ पे हमारा SL रहेगा, स्टॉप लॉस। और जब तक मोमेंटम जारी है तब तक हमें स्टॉक में बने रहना है, तो यहाँ तक हमें बने रहना है और यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो सिंपल एज इट इज़, कैंडल स्टिक में सबसे इजी पैटर्न फ्लैग पैटर्न दिखाई देता है। ऐसा अगर फ्लैग पैटर्न किसी भी स्टॉक में नज़र आए तो आप तुरंत उसको ड्रॉ करें और उस स्टॉक को लगातार वॉच करें। जैसे ही स्टॉक में ब्रेकआउट मिलता है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है, वहाँ से हमें एंट्री लेनी है और सेफर साइड स्टॉप लॉस भी लगा के चले और लंबे प्रॉफिट के लिए रुके रहें। यह है फ्लैग पैटर्न। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।